बादलों में जादुई लहंगा और फ्रॉक का घर। एक गांव में माया अपनी दो बेटियां सीमा और रीमा के साथ रहा करती थी। माया बहुत ही गरीब थी और वो अकेली ही अपने दोनों बेटियों का लालन पालन करती थी। जब माया की दोनों बेटियां छोटी थी तभी माया का पति उसको छोड़कर चला गया था और तब से माया अकेले ही सब कुछ संभालती है और वो अपनी बेटियों की परवरिश करने के लिए दूसरों के घर पर काम किया करती थी। माया की बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी इसलिए माया को अपनी बेटियों की शादी की बहुत चिंता हुआ करती थी, पर अभी उसके पास इतने रुपए नहीं थे कि वो अपनी बेटियों की शादी कर पाए। एक बार की बात है, रीमा अपनी माँ माया से कहती है, माँ आप इतना काम क्यों करती हो? आप हम दोनों को भी काम पर ले जाया करो तो इससे आपका हाथ ही बढ़ जाएगा। नहीं बेटा, मैं तुम लोगों को काम पर नहीं ले जा सकती हूँ क्योंकि अब तुम लोग बड़ी हो गई हो और हर किसी की बुरी नज़र तुम लोगों पर ही रहती है, इसलिए तुम लोग घर पर ही रहा करो, मैं हूँ तो कमाने के लिए। पर माँ आप अकेले हम दोनों का खर्चा कैसे उठा पाएंगी? तुम चिंता क्यों करती हो, मैं कुछ और काम करने लगूंगी, पर मैं तुम दोनों को काम नहीं करने दूंगी। अच्छा अब तुम लोग घर का काम कर लो, मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। और ये कहकर माया अपने घर से काम करने के लिए निकल जाती है। माया के जाने के बाद सीमा अपनी बहन रीमा से कहती है, हमें भी अपनी माँ के लिए कुछ करना होगा वरना हमारी माँ यूं ही काम करते करते बूढ़ी हो जाएगी और हम लोग उन्हें कोई भी सुख नहीं दे पाएंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे हम अपनी माँ को हर सुख दे सकें। इसके बाद वो दोनों घर के कामों में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ माया खूब मेहनत किया करती थी और ये देखकर उसकी दोनों बेटियां काफी ज्यादा दुखी हुआ करती थी क्योंकि वो दोनों अपनी माँ के लिए कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उनकी माँ को काम ना करना पड़े। एक दिन की बात है, रीमा और सीमा घर के बाहर बैठी हुई होती है तभी अचानक उन्हें आसमान में लहंगा और फ्रॉक का घर दिखाई देता है जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और रीमा अपनी बहन सीमा से कहती है, अरे बहन आसमान में तो लहंगा और फ्रॉक का घर, क्या तुझे भी वो दोनों दिखाई दे रहे हैं या मुझे ही दिख रहे हैं? हाँ बहन मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, बादलों में लहंगा और फ्रॉक का घर और वो बहुत ही सुंदर भी लग रहे हैं। लगता है ये परियों के जादुई लहंगे और फ्रॉक का घर है। हाँ बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, काश हम लोगों के पास भी ऐसे ही लहंगे और फ्रॉक के घर होते तो कितना अच्छा होता। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर आज ये बादलों में इसी तरह दिखाई क्यों दे रहे हैं? पता नहीं मुझे नहीं मालूम। तभी वहाँ से एक रानी नाम की परी गुजरती है और उन दोनों बहनों को बातें करता हुआ देखकर उन दोनों के पास आती है और उन दोनों बहनों के पास आकर रानी परी उन दोनों बहनों से कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? रानी परी को देखकर वो दोनों बहनें काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, साथ ही उन्हें बहुत खुशी भी होती है कि आज उनकी मुलाकात एक परी से हुई। और रीमा रानी परी से कहती है, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस आज बादलों में लहंगे और फ्रॉक के घर दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग बस उन्हीं को देख रहे थे। क्या बादलों में लहंगा और फ्रॉक का घर आपका है? हाँ ये लहंगा और फ्रॉक का घर मेरा है, आज बड़े दिनों बाद मैंने इन घरों को बादलों में निकाला है, वैसे तो ये हमेशा बादलों में छुपे रहते थे। अच्छा ऐसी बात है, आपके लहंगा और फ्रॉक घर बहुत ही सुंदर है, काश ऐसे घर हम लोगों के पास भी होते तो हम लोग भी अपनी माँ को हर सुख दे पाते। क्यों क्या हो गया तुम्हारी माँ को, क्या बात है मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इस पर सीमा रानी परी से कहती है, हमारी माँ ने बचपन से ही हम लोगों को बड़ी मेहनत करके पाला है क्योंकि पिताजी मेरी माँ को जब हम लोग छोटे थे
तभी छोड़कर चले गए थे। तब से हमारी माँ ने ही अकेले हम दोनों की देखभाल की है और अब हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी माँ को हर वो सुख दे जो उन्हें नहीं मिला है। पर हम लोग गरीब होने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बस इसलिए दुखी हैं। बस इतनी सी बात? तो आज तुम लोगों का दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज मैं तुम्हें मिल गई। तुम जो भी कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वो जरूर दूंगी। नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे क्योंकि यदि हम आपसे मांगेंगे तो आप समझोगे कि हम लोग लालची हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परी हूँ और परियां तो हमेशा ही दूसरों की मदद ही करती हैं। परियां हमेशा उन लोगों की मदद करती हैं जो अच्छी होती हैं। और तुम दोनों बहनें तो बहुत ही अच्छी हो और साथ ही तुम्हारा दिल भी कितना अच्छा है जो तुम अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती हो। वैसे भी आज की दुनिया में कोई भी अपने माता पिता को सुख नहीं देना चाहता, पर तुम लोग हो जो अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती हो और मुझे बहुत खुशी है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या तुम्हें मेरे बादलों वाले लहंगा और फ्रॉक के घर चाहिए? ये सुनकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सीमा रानी परी से कहती है, पर वो तो बादलों में है, वो हम दोनों को कैसे मिल जाएंगे? तुम दोनों चिंता क्यों कर रही हो? भले ही वो दोनों घर बादलों में हैं, पर यदि मैं चाहूँगी तो उन्हें मैं तुम्हारे लिए धरती पर भी ले आऊँगी या फिर तुम्हें कुछ ऐसी शक्तियाँ दे दूँगी जिससे तुम दोनों भी बादलों में जा सकोगी और जिससे तुम दोनों लहंगा और फ्रॉक के घर में रह सकोगी और अपनी माँ को भी हर खुशी दे सकोगी। क्या सच में आप ऐसा कर देंगे जिससे हम लोग बादलों में जादुई लहंगा और फ्रॉक के घर में रहेंगे? जो लोग अच्छे होते हैं मैं उनकी हमेशा मदद करती हूँ और भगवान भी उनकी मदद करते हैं। तभी वहाँ पर माया आ जाती है और रानी परी को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर माया रानी परी से कहती है, अरे आप तो परी हैं, पर आप हमारे बेटियों के साथ क्या कर रही हैं? हमारे तो भाग्य खुल गए जो हमें आपके दर्शन हुए। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लगता है आप इन दोनों बहनों की माँ हैं। जी हाँ, मैं ही इन दोनों बेटियों की माँ हूँ। आप बहुत ही नसीब वाली हैं जो आपको ऐसी दो बेटियाँ मिली जो आपको बहुत प्यार करती हैं। और इसके बाद रानी परी रीमा और सीमा को बादलों में रहने की जादुई शक्ति दे देती है और फिर रानी परी उन दोनों से कहती है, अब तुम दोनों के पास बादलों में जाने की शक्ति आ गई है। अब तुम दोनों अपनी माँ को ले जाकर बादलों में लहंगा और फ्रॉक के घर में रह सकती हो और अब जब भी तुम्हारा मन हुआ करेगा तो तुम वापस पृथ्वी लोक पर भी आ जाया करोगी। आज से ये दोनों बादलों के लहंगा और फ्रॉक के घर तुम दोनों के हुए। और फिर इसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी के जाने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों अपनी माँ को लेकर बादलों में जादुई लहंगा और फ्रॉक के घर में आ जाती है। बादलों में आने के बाद वो दोनों आराम से अपनी माँ के साथ जादुई लहंगा और फ्रॉक के घर में रहने लगती है और अब वो दोनों बहुत खुश थी क्योंकि वहाँ पर उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी जिसे वो दोनों बहनें अपनी माँ को हर खुशी दे पा रही थी। और अब माया भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी बेटियाँ बादलों में जादुई लहंगा और फ्रॉक के घर में रह रही है।